हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख रहे होंगे, और एनसीईआरटी की जो ऑडियो सीरीज है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आपको मदद कर रही होगी आपकी एनसीईआरटी को समझने में। तो आइए आज एक नए अध्याय का स्टार्ट करते हैं। आपने अपने लाइफ में कभी ना कभी बहुत सारे ऐसे जानवरों को इकट्ठे होते हुए आपने देखा होगा, जो चरवाहे होते हैं, खासकर उनका अहम रोल होता है उन इकट्ठे जानवरों को एक अच्छे, कह सकते हैं, रास्ते पे ले जाना। इन द सेंस कि उसे घास जो है, हरी घासें कहाँ मिलेगी, उनके लिए उपलब्ध भोजन कहाँ से मिलेंगे, ये सारी चीज़ें जो होती है वो एक चरवाहे का काम होता है वो करना। आप इस अध्याय में इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपने बहुत सारे घने जंगल देखे हैं हमारे इंडिया में, बहुत सारे हिमालयाज हैं, अपने उन क्षेत्रों में भी घने घने जंगल आपको मिलेंगे। उत्तराखंड हो गए खासकर, जो कि काफ़ी पहाड़ी इलाका होता है, वो उस इलाके में आप देखे होंगे कि बहुत ऐसे चरवाहे होते हैं जो इकट्ठे अपने भेड़ बकरियां, गाय भैंस जो भी होते हैं वहाँ ले जा करके अपनी जो है उनको चरवाने का काम करते हैं, उन्हें एक भोजन उपलब्ध करवाने का काम करते हैं। आप इस पूरे अध्याय में उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे यहाँ की अलग अलग, हमारे जैसे अफ्रीका हो गए, अफ्रीका में जैसे आदिवासी लोग रहते हैं, हमारे इंडिया में भी रहते हैं आदिवासी लोग, तो उन लोगों का रहन सहन कैसा है, उन लोग वो लोग कैसे अपने जीवन यापन करते हैं, क्या उन लोगों का एक, कह सकते हैं कि हर किसी इंसान का एक अपना अपना काम होता है, तो उन लोगों के काम के बारे में आज पढ़ेंगे जो खासकर अब ज़्यादातर जानवरों पे ही डिपेंड रहते हैं। यानी कि उनका मुख्य जो काम है वो जानवरों को चराना, पालना, पोषना और उनसे अपना रोजी रोटी कमाना। यानी कि आप कह सकते हैं कि अपना रोजाना जो दिनचर्या होता है वो पूरा इनके पे ही जाता है, इनसे ही उनका काम होता है। तो आज उन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तमाम देशों के बारे में भी पढ़ेंगे, तमाम देशों में रहने वाले जो आदमी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके रहन सहन स्तर। अगर बात करें इंडिया की, तो जैसे हमारा राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, तो वहाँ भी बहुत सारे ऐसे किस्म किस्म के जानवर हैं जिन्हें हमारे इंडिया के, भारतीय लोग उन्हें पालते पोसते हैं और अपने निजी काम के लिए या फिर अपने पैसे कमाने के लिए एक अच्छा स्रोत बनाए हुए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आधुनिक विश्व में चरवाहे के बारे में। कहते हैं इस अध्याय में आप घुमंतू चरवाहे के बारे में पढ़ेंगे। घुमंतू ऐसे लोग होते हैं जो किसी एक जगह टिककर नहीं रहते हैं, बल्कि रोजी रोटी के जुगाड़ में यहां से वहां घूमते रहते हैं। देश के कई हिस्सों में हम घुमंतू चरवाहों को अपने जानवरों के साथ आते जाते देख सकते हैं। चरवाहों की किसी टोली के पास भैर बकरियां, कर्रेवर या झुंड होता है, तो किसी के पास ऊंट या अन्य मवेशी रहते हैं। क्या उन्हें देखकर आपने कभी इस बारे में सोचा है कि वे कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? क्या आपको पता चला है कि वे कैसे रहते हैं, उनकी आमदनी के साधन क्या हैं और उनका अतीत क्या था? चरवाहों को इतिहास की पुस्तकें में विरले ही जगह मिल पाती है। जब भी आप अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, फिर चाहे वह इतिहास की कक्षा हो या अर्थशास्त्र की, सिर्फ कृषि और उद्योगों के बारे में ही पढ़ते हैं। कभी कभार इन कक्षाओं में कारीगरों के बारे में भी पढ़ें तो मिल जाता है, लेकिन चरवाहों के बारे में पढ़ने लिखने को ज्यादा कुछ नहीं मिलता, मानो उनकी जिंदगी का कोई मतलब ही ना हो। अक्सर मान लिया जाता है कि वैसे लोग जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं है, जैसे उनका दौर बीत ही चुका हो। इस अध्याय में आप देखेंगे कि भारत और अफ्रीका जैसे समाजों में चरवाही का कितना महत्व है। यहाँ आप जानेंगे कि उपनिवेशवाद ने उनकी जिंदगी पर कितना गहरा असर डाला है और इन समुदायों के, आधुनिक समाज के दबावों को किस तरह सामना किया है। इस भाग में हम पहले भारत और उनके बाद अफ्रीका के चरवाहों की जिंदगी का अध्ययन करेंगे। आइए, हमारा पहला जो टॉपिक है वह है घुमंतू चरवाहे और उनकी आवाजाही। 1.1 में हम देखेंगे पहाड़ों में रहने वाले घुमंतू चरवाहों के बारे में। जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरियां के बड़े बड़े डेवर रखते हैं। इस
समुदाय के अधिकतर लोग अपने मवेशियों के लिए चारागाहों की तलाश में भटकते भटकते 19वीं सदी में यहाँ आ गए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया वे यहीं के होकर रह गए, यहीं बस गए। इनके बाद सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग चारागाहों में जाने लगे। जाड़ों में ऊंची पहाड़ियों बर्फ में से ढक जाते तो वे शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आकर डेरा डाल लेते। जाड़ों के निचले इलाके में मिलने वाली सूखी झाड़ियां ही उनके जानवरों के लिए चारा बन जाती। अप्रैल के अंत तक वे उत्तर दिशा में जाने लगते गर्मियों के चारागाहों के लिए। इस सफर में कई परिवार काफिला बनकर साथ साथ चलते थे। वे फिर पंजाल की दर्रों को पार करते हुए कश्मीर की घाटी में पहुंच जाते। जैसे ही गर्मियां शुरू होती जमीन जमी हुई बर्फ की मोटी चादर पिघलने लगती और चारों तरफ हरियाली छा जाती। इन दिनों में यहां उगने वाली तरह तरह की घास से मवेशियों को पेट भी भर जाता था और उन्हें सेहतमंद खुराक भी मिल जाती थी। सितंबर के अंत में बकरवाल एक बार फिर अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगते। इस बार वे वापस अपने जारों वाले ठिकाने की तरफ नीचे की ओर चले जाते। जब पहाड़ों की चोटियां पर बर्फ जमने लगती तो वे निचली पहाड़ियों की शरण में चले जाते। पास की एक पहाड़ों में चरवाहों का एक और समुदाय रहता था। हिमाचल प्रदेश के इस समुदाय को गद्दी कहते हैं। ये लोग भी मौसमी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए इसी तरह सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते थे। वे भी शिवालिक की निचली पहाड़ियों में अपने मवेशियों को झाड़ियों में चराते हुए जारा बिताते थे। अप्रैल आते आते वे उत्तर की तरफ चल पड़ते और पूरी गर्मियां लाहौल और स्पति में बिता देते। जब बर्फ पिघलती और ऊंचे दर्रे खुल जाते तो उनमें से बहुत सारे ऊपरी पहाड़ियों में स्थित घास के मैदानों में पहुंच जाते थे। सितंबर तक वे दोबारा वापस चल पड़ते। वापसी में वे लाहौल और स्पीति के गांव में एक बार फिर कुछ समय के लिए रुकते। इस बीच वे गर्मियों के फसलें काटते और सर्दियों की फसलें की बुनाई करके आगे बढ़ जाते। यहां से वे अपने रेवर लेकर शिवालिक की पहाड़ियों में जारों वाले चारागाहों में चले जाते और अगली अप्रैल में भेड़ बकरियों को लेकर वे दोबारा गर्मियों के चारागाहों की तरफ रवाना हो जाते। आइए अब जरा और पूर्व की तरफ चलें। गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर चरवाहे सर्दियों में भावर के सूखे जंगलों की तरफ और गर्मियों में ऊपर घास के मैदानों बुग्याल की तरफ चले जाते थे। इनमें से बहुत सारे हरे भरे चारागाहों की तलाश में 19वीं सदी में जम्मू से उत्तर प्रदेश की ओर पहाड़ियों में आए थे और बाद में यहीं बस गए। सर्दी गर्मी के हिसाब से हर साल चारागाह बदलते रहने का यह चलन हिमालय के पर्वतों में रहने वाले बहुत सारे चरवाहा समुदायों में दिखाई देता है। यहाँ के भोटियाँ, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग भी इसी तरह के चरवाहे थे। ये सभी समुदाय मौसमी बदलतों के हिसाब से खुद को ढालते थे और अलग अलग इलाकों में पड़ने वाले चारागाहों का बेहतरीन इस्तेमाल करते थे। जब एक चारागाह की हरियाली खत्म हो जाती थी या इस्तेमाल के काबिल नहीं रह जाती थी तो वे किसी और चारागाह की तरफ चले जाते थे। इस आवाजाही में चारागाह जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से भी बच जाते थे और उनमें दोबारा हरियाली व जिंदगी भी लौट आती थी। आप इस चित्र में देख सकते हैं गद्दी भेड़ों ऊन उतार रहे हैं। ये सितंबर तक गद्दी ऊंचे मैदानों के से नीचे आने लगते हैं। रास्ते में कुछ समय रुक कर वे अपनी भेड़ों की ऊन उतारते हैं और ऊन काटने से पहले भेड़ों को नहला धुला कर साफ कर दिया जाता है
और इस चित्र में आप यहाँ देख सकते हैं ये ऊन उतारने का इंतजार हो रहा है, जैसा कि आपने बाद में देखा किस तरह से ऊन उतारे जाते हैं। और ये हिमाचल प्रदेश की पालमपुर की पास एक उल्लव घाटी की यह तस्वीर है। और यहाँ आप एक तस्वीर देख सकते हैं, ये मध्य गढ़वाल के ऊंचे पहाड़ों में एक गुज्जर मंडप है। ये गुज्जर गड़िये बुग्याल में मिलने वाले रिंगल यानी कि एक तरह का पहाड़ी बांस और घास के बने मंडपों में रहते थे। इन्हीं मंडपों का इस्तेमाल कार्यस्थल के रूप में भी होता था। यहाँ गुज्जर ही घी निकालते थे और उसे बेचते थे। हाल के सालों में वे बांसों और ट्रकों से भरकर दूध ले जाने लगते हैं। ये मंडप 10,000 से 11,000 की फुट की ऊंचाई पर होते हैं। भैंसे से ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जा सकती। तो ये इनका सबसे कह सकते हैं लिस्ट, जहाँ पे कह सकते हैं इनका एक रहने का जगह होता है। आइए आगे हैं 1.2 पठारों मैदानों और रेगिस्तानों में। चरवाहे सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं रहते थे, वे पठारों मैदानों और रेगिस्तानों में भी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद थे। घंगर महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा समुदाय है। 20वीं सदी की शुरुआत में इस समुदाय की आबादी लगभग 4,67,000 थी। उनमें से ज्यादातर गरिये और चरवाहे थे। हालांकि कुछ लोग कंबल और चादर भी बनाते थे, जबकि कुछ भैंस पालते थे। धनगर गरिये बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते थे। यह एक अर्ध शुष्क इलाका था जहां बारिश बहुत कम होती थी और मिट्टी भी खास उपजाऊ नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ कंटीली झाड़ियां होती थी। बाजरे जैसे सूखी फसलों के अलावा यहाँ कुछ और नहीं उगता था। मानसून में यहाँ पट्टी धनगरों के जानवरों के लिए एक विशाल चारगाह बन जाती थी। अक्टूबर के आसपास धनगर बाजरे की कटाई करते थे और चारागाहों की तलाश में पश्चिम की तरफ चल पड़ते थे। करीब महीने भर पैदल चलने के बाद वे अपने रेवरों के साथ कोंकण के इलाके में जाकर डेरा डाल लेते थे। अच्छी बारिश और उपजाऊ मिट्टी के बदौलत इस इलाके में खेती खूब होती थी। कोंकण किसान भी इन चरवाहों को दिल खोलकर स्वागत करते थे। जिस समय धनगर कोंकण पहुंचते थे, उसी समय कोंकण के किसानों को खरीफ की फसल काट कर अपने खेतों को रवि की फसल के लिए दोबारा उपजाऊ बना लेते थे। आप इस तस्वीर में यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पाई जाने वाली सूखी और कंटीली झाड़ियों के सहारे सिर्फ ऊंट ही जिंदा रह सकते थे, लेकिन पर्याप्त भोजन पाने के लिए उन्हें बहुत बड़े इलाके में चरना पड़ता था। ये पश्चिमी राजस्थान के थार रेगिस्तान में चरते रायका समुदाय के ऊंट हैं। अब यह बड़ी प्यारी सी खूबसूरत तस्वीर यहां देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। धनगरों में मवेशी खरीफ की कटाई के बाद खेतों में बची रह गई ढूंढों को खाते थे और उनके गोबर से खेतों को खाद मिल जाती थी। कोंकणी किसान धनगरों को चावल भी देते थे, जिन्हें वे वापस अपने पठारी इलाके में ले जाते थे, क्योंकि वहां इस तरह के अनाज बहुत कम होते थे। मानसून की बारिश शुरुआत होते ही धनगर कोंकण और तटीय इलाके छोड़कर सूखे पठारों की तरफ लौट जाते थे, क्योंकि भेड़ें गीले मानसून हालत को बर्दाश्त नहीं कर पाती। कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में भी सूखे मध्य पठार घास और पत्थरों में अटे पड़े थे। इनमें मवेशियां भेड़ बकरियां और गर्रियों का एक बसेरा रहता था। यहाँ गोल्ला समुदाय के लोग गाय भैंस पालते थे, जबकि कुमा और कुरुबा समुदाय भेड़ बकरियां पालते थे और हाथ के बुने कंबल बेचते थे।
ये लोग जंगलों और छोटे छोटे खेतों के आसपास रहते थे। वे अपनी जानवरों की देखभाल के साथ साथ कई दूसरे काम धंधे भी किया करते थे। पहाड़ी चरवाहों के विपरीत यहाँ के चरवाहों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना सर्दी गर्मी में तय नहीं होता था। ये लोग बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते थे। सूखे महीनों में वे तटीय इलाकों की तरफ चले जाते थे, जबकि बरसात शुरू होने के वापस चले आते थे। मानसून के दिनों में तटीय इलाकों में जिस तरह के गीले दलदली हालात पैदा हो जाते थे, वे सिर्फ भैंसों को ही नहीं रास आ सकते सिर्फ भैंसों को ही रास आ सकते थे। ऐसे समय में बाकी जानवरों को सूखे पठारी इलाकों में ले जाना जरूरी पड़ता था। चरवाहों में एक जाना पहचाना नाम बंजारों का भी है। बंजारे उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में रहते थे। ये लोग बहुत दूर दूर तक चले जाते थे और रास्ते में अनाज और चारे के बदले गांव वालों को खेत जोतने वाले जानवर और दूसरी चीजें बेचे जाते थे। वे जहां भी जाते अपने जानवरों के लिए अच्छे चरवाहों की खोज में रहते थे। राजस्थान के रेगिस्तानों में रायका समुदाय रहता था, जो कि आप इस तस्वीर में यहां देख सकते हैं। इस इलाके में बारिश का कोई भरोसा नहीं था, होती भी थी तो बहुत कम, इसीलिए खेती की उपज हर साल घटती बढ़ती रहती थी बहुत सारे इलाकों में, तो दूर दूर तक कोई फसल ही नहीं होती थी। इसके चलते रायका खेती के साथ साथ चरवाही का भी काम करते थे। बरसात में तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर में रायका अपने गाँव में ही रहते थे, क्योंकि इस दौरान उन्हें वहीं चारा मिल जाता था। पर अक्टूबर आते आते ये चारागाह सूखने लगते थे। नतीजा ये लोग नए चारागाहों की तलाश में दूसरे इलाके की तरफ निकल जाते थे और असली बरसात में ही वापस लौटते थे। रायकाओं का एक टटवा ऊंट पतला था, माफ कीजिएगा, पालता था, जबकि कुछ बैर बकरियां पालते थे। इस तरह हम देख सकते हैं कि चरवाहा समुदाय की जिंदगी कई चीजें के बारे में काफी सोच विचार करके आगे बढ़ती थी। उन्हें इस बात का हमेशा ख्याल रखना पड़ता था कि उनके रेवर एक इलाके में कितने दिन तक रह सकते हैं और उन्हें कहाँ पानी और चारागाह मिल सकते हैं। उन्हें न केवल एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने का सही समय चुनना पड़ता था, बल्कि यह भी देखना पड़ता था कि उन्हें कई इलाकों से गुजरने की छूट मिल पाएगी और किन इलाकों में नहीं। सफर के दौरान उन्हें रास्ते में पड़ने वाले गाँव के किसानों से भी अच्छे संबंध बनाने पड़ते थे, ताकि उनके जानवरों किसानों के खेतों में घास चर सके और उनको उपजाऊ बनाते चले। अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में उन्हें खेती, व्यापार और चरवाही, ये सारे काम करने पड़ते थे। आइए अब देखेंगे कि औपनिवेशिक शासन के दौरान यात्री अंग्रेजों के जमाने में चरवाहों का जीवन किस तरह बदलता। उससे पहले हम दो तीन तस्वीरों पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि क्या बातें उनमें छुपी हुई है। उनसे पहले हम एक स्रोत कर लेते हैं। इस स्रोत से कुछ पता चला है। बहुत सारे मुसाफरों के विवरणों में हमें चरवाहा समुदाय की जिंदगी का एक झलक मिलती है। मिसाल के तौर पर 19वीं सदी की शुरुआत में बुकानन ने मैसूर की अपनी यात्रा के दौरान गोल्ला समुदाय का दौरा किया था। अपने इस अनुभव के आधार पर उन्होंने लिखा, उनके परिवार जंगलों के किनारे छोटे छोटे गांव में रहते हैं। यहाँ वे थोड़ी सी जमीन पर खेती करते हैं, थोड़ा बहुत जानवर रखते हैं और पास के कस्बों में जाकर दूध उत्पादन बेचते हैं। उनके परिवार बहुत बड़े होते हैं, एक एक घर में 7-8 नौजवान आसानी से मिल जाएंगे। में से 2-3 लोग जंगल में जानवर चराते हैं, जबकि बाकी अपनी खेती संभालते हैं और कस्बों में जलावन की लकड़ी के लिए पुलाव आदि पहुंचाते हैं। फ्रांसिसी हैमिल्टन बुकानन ए जर्जी फ्रांस मद्रास टू द स्ट्रीज ऑफ मैसूर
कनारा एंड मलाबार लंदन 1807 में स्रोत पता चलता है। तस्वीर में जैसा कि आपने भी पढ़ा है कि अपने ऊंट के साथ एक बालक है, यह राजस्थान के जैसलमेर के निकट थार का रेगिस्तान है। इस इलाके के ऊंट पालकों को मारू रेगिस्तान रायका और उनकी बस्ती को टांडी कहा जाता है, जो कि आप यहां तस्वीर में देख सकते हैं। आगे की तस्वीर यह एक कह सकते हैं कहीं ना कहीं मेले का तस्वीर होगा, यानी कि जानवरों का मेले का तस्वीर। यह पश्चिमी राजस्थान में बलोतरा स्थित ऊंट मेला है। ऊंट पालक यहाँ ऊंट की खरीद और फरोख्त के लिए आते हैं। मेले में मारू रायका ऊंटों के प्रशिक्षण में अपनी महारत का भी प्रदर्शन करते हैं। इस मेले में गुजरात के घोड़े भी लाए जाते हैं, जो कि आप इनमें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि गायें मिल रही है, ऊंट मिल रहे हैं, तो इनमें घोड़े भी लाए जाते थे। चलिए आगे देखते हैं, इस तस्वीर को नजर डालिए, ये एक पुष्कर का ऊंट मेला है। चलिए अब उपनिवेश शासन के दौरान हुई अंग्रेजों के शासनकाल में कैसे ये लोग रहते थे। यहां एक आप तस्वीर पर नजर डालिए, कहीं ना कहीं एक छोटा सा पंच होगा। इस पंच में क्या है, यहां ये पंच में रह करके अपनी वंशावली को बताने का कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि मारू रायकाओं की वंशावली बताने वाला। वंशावली बताने वाला समुदाय का इतिहास बताता है इस तरह के मौखिक परंपराओं से चरवाहा समुदायों को अपनी पहचान का भाव मिलता है। इस परंपराओं से हम यह पता लगा सकते हैं कि कोई समूह अपने अतीत को किस तरह देखता है, क्योंकि आप यहाँ इस तस्वीर में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे की यह तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं। आपने कई जगह अपने गांव जब आपने सैर की होगी तो वहाँ आपको रास्ते में या ट्रेन के दौरान जब आप ट्रेन से सफर कर रहे होंगे या बस से सफर कर रहे होंगे तो आपको वहाँ पे ये चीज़ें देखने को कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलती होगी, जहाँ एक जो होता है चरवाहा इन जो जानवर है यहाँ पे भैर या बकरी उनके आगे आगे जाते हैं और सारी जो भैर बकरियाँ इनके पीछे रहती हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं चारागाहों की तलाश में निकले मालधारी चरवाहे हैं ये, इनके गांव कच्छ के रण में स्थित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आता है हमारा दूसरा टॉपिक है, ये टॉपिक है औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन कैसा था उस समय। औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों की जिंदगी में गहरे बदलाव आए, उनके चारागाह सिमट गए, इधर उधर आने जाने पर बंदिशें लगने लगी और उनसे जो लगान वसूल किया जाता था उसमें भी वृद्धि हुई। खेती में उनका हिस्सा घटने लगा और उनके पैसे और हुनरों पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। आइए देखें कि यह सब कैसे और क्यों हुआ। पहली बात, अंग्रेज सरकार चारागाहों को खेती की जमीन में तब्दील कर देना चाहती थी। जमीन से मिलने वाला लगान उसकी आमदनी का एक बड़ा स्रोत था। खेती का क्षेत्रफल बढ़ने से सरकार की आय में और बढ़ोतरी हो सकती थी। इतना ही नहीं, इससे जूट जो पटसन होता है, कपास, गेहूं और अन्य खेतीदार चीजों के उत्पादन में भी इजाफा हो जाता, जिनकी इंग्लैंड में बहुत ही ज्यादा जरूरत रहती थी। अंग्रेज अफसरों को बिना खेती की जमीन का कोई मतलब समझ में नहीं आता था। उससे ना तो लगान मिलता था और ना ही उपज। अंग्रेज ऐसे जमीन को बेकार मानते थे, उसे खेती लायक नहीं माना जाना जरूरी था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 19वीं सदी के मध्य में देश के विभिन्न भागों में प्रतिभूमि विकास के लिए नियम बनाए जाने लगे। इस कायदे कानूनों के जरिए सरकार खेत खेतिहार जमीन को अपने कब्जे में लेकर खास लोगों को सौंपने लगी। इन लोगों को कई तरह की रियासतें दी गई और इस जमीन को खेती के लायक बनाने और उस पर खेती करने के लिए जमकर बढ़ावा दिया गया। ऐसे लोग कुछ गांव का मुखिया बना दिया गया। इस कब्जे में ली गई जमींदार जमीन चारागाहों की थी।
जिनका चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल किया करते थे। इस तरह खेती के फैलाव से चारागाह सिमटने लगे और चरवाहों के लिए समस्या पैदा होने लगी। दूसरी बात यह थी कि 19वीं सदी के मध्य तक आते आते देश के विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम भी पारित किए जाने लगे थे। इस कानूनों की आड़ में सरकार ने ऐसे कई जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया जहां देवदार या साल जैसी कीमती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में चरवाहों के घुसने पर पाबंदी लगा दी गई थी। कई जंगलों को संरक्षित घोषित कर दिया गया। इन जंगलों में चरवाहों को चरवाही के लिए परंपरागत अधिकार तो दे दिए गए, लेकिन उनकी आवाजाही पर भी बहुत सारी बंदिशें लगी रही। औपनिवेशिक अधिकारियों का को लगता था कि पशुओं को चराने से छोटे जंगली पौधे और पेड़ों की कई कोपले नष्ट हो जाती है। उनकी राय में चरवाहों के रेवर छोटे पौधों को कुचल देते हैं और कोपलों को खा जाते हैं, जिससे नए पेड़ों की बढ़त रुक जाती है। वन अधिनियमों ने चरवाहों की जिंदगी बदल डाली। अब उन्हें उन जंगलों में जाने से रोक दिया गया जो पहले मवेशियों के लिए बहुमूल्य चारे का स्रोत था। जिन क्षेत्रों में उन्हें प्रवेश की छूट दी गई वहां भी उन पर कड़ी नजर रखी जाती थी। जंगलों में दाखिल होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था। जंगल में उनके प्रवेश और वापसी की तारीख पहले से तय होती थी और वह जंगल में बहुत कम ही दिन बिता सकते थे। अब चरवाहे किसी जंगल में ज्यादा समय तक नहीं रुक सकते थे, भले ही वहां चारा कितना ही क्यों ना हो, घास कितना ही क्यों ना हो और चारों तरफ घनी हरियाली हो। उन्हें इसलिए निकालना पड़ता था क्योंकि अब उनकी जिंदगी वन विभाग द्वारा जारी किए गए परमिटों के अधीन थी। परमिट में पहले लिख दिया जाता था कि वह कानून कब तक जंगल में रहेंगे, माफ कीजिएगा, कानूनन कब तक जंगल में रहेंगे। अगर वह समय सीमा का उल्लंघन करते हैं तो उन पर जुर्माना लगा दिया जाता था। और तीसरी बात यहाँ यह है कि अंग्रेज अफसर घुमंतू किस्म के लोगों को शक की नज़र में से देखते थे। वे गाँव गाँव जाकर अपनी चीज़ें बेचने वाले कारीगरों व व्यापारियों को और अपनी रेवर के लिए हर साल नए नए चारागाहों की तलाश में रहने वाले, हर मौसम में अपनी रिहाइश बदल लेने वाले चारागाहों, माफ कीजिएगा, चारागाहों पर यकीन नहीं कर पाते थे। वे चाहते थे कि ग्रामीण जनता गाँव में रहे, उनकी रिहाइश और खेतों पर उनके अधिकार तय हो। इस तरह की आबादी पहचान करना और उनको नियंत्रण करना ज़्यादा आसान था जो कि एक जगह से टिक कर नहीं रहते हो। ऐसे लोग को शांति प्रिय और कानून का पालन करने वाला माना जाता था। घुमंतुओं को अपराधी माना जाता था। 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित किया। इस कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारियों और चरवाहों के बहुत सारी समुदायों को अपराधी समुदाय के सूची में रख दिया गया। उन्हें कुदरती और जन्मजात आधारित घोषित कर दिया गया। इस कानून के लागू होते ही ऐसे सभी समुदायों को कुछ खास अनुसूचित गांव बस्तियों में बस जाने का हुक्म सुना दिया गया। उनको बिना परमिट आवाजाही पर रोक लगा दी गई और ग्रामीण पुलिस उन पर सदा नजर रखने लगे। चौथी बात तो यह थी कि अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने लगान वसूलने का हर संभव रास्ता अपनाया। उन्होंने जमीन, नहरों में पानी, नमक खरीद, पक्तों की चीजों और यहां तक कि मवेशियों पर भी टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया। चरवाहों में, चारागाहों में चरने वाले एक एक जानवर पर टैक्स वसूल किए जाने लगे। देश के ज्यादातर चारवाही इलाकों में 19वीं सदी के मध्य से ही चरवाही टैक्स लागू कर दिया गया था। प्रति मवेशी टैक्स की दर तेजी से बढ़ती चली गई और टैक्स वसूली की व्यवस्था दिनों दिन मजबूत होती गई। 1850 से 1880 के दशकों के बीच टैक्स वसूली के काम बकायदा बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंप दिया जाता था। ठेकेदारी पाने के लिए ठेकेदार सरकार को जो पैसे देते थे
उसे वसूल करने के लिए साल भर में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा बनाने के लिए वे जितना चाहे उतना वसूल सकते थे। 1880 के दशक तक आते आते सरकार ने अपने कारिंदों के मध्य में सीधे चरवाहों से ही वसूल करना शुरू कर दिया। हरेक चरवाहे को एक पास जारी कर दिया गया किसी भी चारागाह में दाखिल होने के लिए चरवाहों को पास दिखाकर अपने टैक्स अदा करना पड़ता था। चरवाहे के साथ कितने जानवर हैं और उसने कितना टैक्स चुकाया है, इस बात को उसके पास दर्ज किया जाता था। आप इन तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से इन लोगों को जो है जो कि टैक्स इन लोगों को देना पड़ता था। तस्वीर नहीं है यहाँ, लेकिन जो बात यहाँ हमें देखने को मिल रही है उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि औपनिवेशिक काल में उनके जीवन जो है किस तरह से बहुत कह सकते हैं जो है बेकार कह सकते हैं नहीं, लेकिन बहुत ही कठिनाईदायक जो थी उन लोगों की जमीन थी। स्रोत तो में कुछ यहाँ पता चला है, देखिए एच एस गिब्सन वन उपसंरक्षक दार्जिलिंग में ने 1903 में लिखा था, चरवाही के लिए प्रयोग किए जा रहे जंगल को किसी और काम के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा और वहीं से इमारती लकड़ी तथा ईंधन इकट्ठा नहीं किए जाएंगे जो मुख्य वन उत्पाद होते हैं। ये स्रोत से पता चला और नए शब्द यहाँ आ रहे हैं, परंपरागत अधिकार, जो परंपरा और रीति रिवाज के आधार पर मिलने वाले अधिकार होते हैं जो सभी को चाहिए होते हैं। स्रोत घो में आपको यहाँ पता चल रहा है कुछ 1920 के दशक में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि बढ़ती आबादी, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और रक्षा उद्योग एवं कृषि प्रयोग उद्योगों के लिए सरकार द्वारा चारागाहों की अधिग्रहण की वजह से चरवाही के लिए बहुत उपलब्ध इलाकों के क्षेत्रफल में बहुत सारी गिरावट आई है। अब पशुपालकों को बड़े बड़े रेवर रखने में मुश्किल पैदा हो रही है, इसकी वजह से उनकी आमदनी में गिरावट आई है, उनके जानवरों की गुणवत्ता और खुराक गिर गई है और कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। द रिपोर्ट ऑफ द रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर इन इंडिया 1928 किया एक स्रोत से पता चलता है। आगे आइए बढ़ते हैं, अगला है हमारा जो टॉपिक है, सब टॉपिक कह सकते हैं, इन बदलावों में चरवाहों की जिंदगी को किस तरह प्रभावित किया। इन चीजों की वजह से चरवाहों को गंभीर समस्या पैदा हो गई। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा चरवाहों के सरकारी कब्जे में लेकर उन्हें खेतों में बदलाव जाने लगा, वैसे वैसे चरागाहों के लिए उपलब्ध इलाके सुकरने लगे। इसी तरह जंगलों के आरक्षण का नतीजा यह हुआ कि गरीय और पशुपालक अब अपने मवेशियों को जंगल में पहले जैसे आबादी से नहीं चरा सकते थे। अब चारागाह खेतों में बदलने लगे तो बचे खुचे चारागाहों में चरने वाले जानवरों की तादाद बढ़ने लगी। इसका नतीजा यह हुआ कि चारागाह सदा जानवरों से भरे रहने लगे। अब तक तो घुमंतू चरवाहे अपने मवेशियों को कुछ दिन तक ही इस इलाके में चराते थे और उसके बाद किसी और इलाके में चले जाते थे। इस अदला बदली की वजह से पिछले चारागाह भी फिर से हरे भरे हो जाते थे, लेकिन चरवाहों की आवाजाही पर लगी बंदिशों और चारागाहों के बेहिसाब इस्तेमाल से चारागाहों का स्तर गिरने लगा, जानवरों के लिए चारा कम पड़ने लगा, फलस्वरूप जानवरों की सेहत और तादाद भी गिरने लगी। चारों की कमी और जबरन पड़ने वाले अकाल की वजह से कमजोर और भूखे जानवर की बड़ी संख्या में मरने लगे, जो कि हमें रिपोर्ट से भी पता चल रहा है 1928 की जो रिपोर्ट हमने ऊपर देखी। अब यहां एक हम मैप पे नजर डालेंगे, इस नक्शे में केवल चरवाहों समुदायों के इलाकों का उल्लेख किया गया है जिनके बारे में इस अध्याय में बात की गई है। इनके अलावा भी हमारे देश में कई और चरवाह समुदाय रहते थे, जो कि आप यहाँ रायका देख सकते हैं, बंजारे यहाँ भी रहते थे। ये वाला जो इलाका है आप इस इलाके में देख सकते हैं, उत्तराखंड का इलाका हो गया, भोटिया गुज्जर, उसके बाद हमारा ये वाला इलाका आप यहाँ देख सकते हैं, रायका, मरुस्थल क्षेत्र, मलधारी, धंगर,
उमा, तूबा, गोल्ला और कश्मीर के कुछ इलाके गुज्जर बकरवाल और गद्दी भोटियां। तो आप यहाँ मोनपा, तो आप जो यहाँ देख रहे हैं ये चारवाहों के कुछ मुख्य स्थल थे जो कि औपनिवेशिक काल में रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब टॉपिक, चारवाहों ने इस बदलावों का सपना कैसे सामना कैसे किया, बदलावों पर चरवाहों की प्रतिक्रिया कई रूपों में सामने आई। कुछ चरवाहों ने तो अपने जानवरों की संख्या ही कम कर दी। अब बहुत सारे जानवरों को चराने के लिए पहले की तरह बड़े बड़े और बहुत सारे मैदान नहीं बचे थे। जब पुराने चारागाहों का इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया तो कुछ जानवरों ने नए नए चारागाह ढूंढ लिए। मिसाल के तौर पर ऊंट और भेड़ पालने वाले रायका 1947 के बाद ना तो सिंध में दाखिल हो सकते थे और ना सिंधु नदी के किनारे अपने जानवरों को चरा सकते थे। भारत और पाकिस्तान के बीच खींच दी गई नई सीमा रेखा ने उन्हें उस तरफ जाने के लिए रोक दिया। जाहिर है अब उन्हें जानवरों को चराने के लिए नई जगह ढूंढनी थी। अब वे हरियाणा के खेतों में जाने लगे जहां कटाई के बाद खाली पेड़ खेतों में वे अपने मवेशियों को चरा सकते थे। इसी समय खेतों को आग की भी जरूरत रहती थी जो उन्हें जानवरों के मलमूत्र से भी मिल जाती थी। समय गुजरने के साथ कुछ धनी चरवाहे जमीन खरीदकर एक जगह बसकर रहने लगे। इसमें से कुछ नियमित रूप से खेती करने लगे जबकि कुछ व्यापार करने लगे। जिन चरवाहों के पास ज्यादा पैसे नहीं थे वे सूद खोरों जैसे ब्याज पर कर्ज लेकर दिन काटते लगे। इस चक्कर में बहुतों के मवेशी भी हाथ से जाते रहे और वे मजदूर बनकर रह गए। वे खेतों या छोटे कस्बों में मजदूर करते दिखाई देने लगे। सबके बावजूद चरवाहों केवल आज भी जिंदा है, बल्कि हाल के दशकों में कई जगहों तो उनकी संख्या में वृद्धि भी हुई है। जब भी किसी इलाके में चरागाहों ने उनको के दाखिल पर रोक लगा दी जाती वे अपना दिशा बदल लेते, रिवर छोटा कर लेते और नई दुनिया के मिजाज से तालमेल बैठाने के लिए दूसरे काम धंधे भी करने लगते। बहुत सारे परिस्थिति विज्ञानी मानते हैं कि सूखे इलाकों और पहाड़ों में जिंदा रहने वाले चरवाही ही सबसे व्यवहारिक रास्ता है। बहरहाल चरवाहों पर इस तरह के बदलाव सिर्फ हमारे देश में नहीं थोपे गए थे। दुनिया के बहुत सारे इलाकों में नए कानूनों और बसाहट के नए तौर तरीकों ने उन्हें आधुनिक दुनिया में आ रहे बदलावों के मुताबिक अपनी जिंदगी का डर्रा बदलने पर मजबूर किया है। आधुनिक विश्व में आए इन बदलावों से निपटने के लिए बाकी देशों के चरवाहों ने रास्ते अपनाए उन्हें हम अभी देखेंगे। आइए अगला टॉपिक है हमारा तीसरा है जो कि अफ्रीका के बारे में जानेंगे, यानी कि अफ्रीका के चरवाहों का जीवन के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था हमारा दो देशों के बारे में जानना होगा जो कि अपना हमारा भारत देश और दूसरा अफ्रीका, ये मुख्य है। आइए आप जरा अफ्रीका की तरफ चलते हैं जहां दुनिया की आधी से ज्यादा चरवाहा आबादी रहती है। आज भी अफ्रीका के लगभग 2.25 करोड़ लोग रोजी रोटी के लिए किसी ना किसी तरह की चरवाही गतिविधियों पर आरक्षित हैं। इनमें से बेदुइंस, बर्बेर्स और मसाई, सोमाली, बोरान और तुर्काना जैसे जाने माने समुदाय भी शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर अब अर्ध शुष्क घास के मैदानों या सूखे रेगिस्तानों में रहते हैं जहां वर्षा आधारित खेती करना बहुत मुश्किल है। यहां के चरवाहे गाय, बैल, ऊंट, बकरी, भेड़ व गधे पालते हैं और दूध, मांस, पशुओं की खाल व ऊन आदि बेचते हैं। कुछ चरवाहे व्यापार और यातायात संबंधी काम भी करते हैं। कुछ चरवाहे के साथ साथ खेती भी करते हैं। कुछ लोग चरवाही से होने वाले मामूली ऐसे गुजर नहीं हो पाने पर कोई भी धंधा कर लेते थे।
हिंदुस्तान की तरह अफ्रीका चरवाहों की जिंदगी में भी औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक काल के गहरे बदलाव आए हैं। आखिर क्या थे ये बदलाव? उससे पहले जानने के लिए हम एक बार इन तस्वीर पर नजर डालते हैं। ये तस्वीर है हमारी मसाई लैंड, जिनके पीछे आप देख सकते हैं यहां किलिमंजारो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। ये है हमारे किलिमंजारो पहाड़, और ये जो हमारा लैंड है, ये लैंड है हमारा मसाई लैंड। बदलती परिस्थितियों के कारण मसाई मक्का, चावल, आलू, गोभी जैसे उन खाद्य पदार्थों पर निर्भर होते जा रहे हैं जो उनके इलाके में पैदा नहीं होती। परंपरागत रूप से वे इन चीजों को पसंद नहीं करते थे। मसाई मानते थे कि फसल उगाने के लिए जमीन का हाल चलाना प्रकृति के विरुद्ध है। यदि आप जमीन पर खेती करने लगते हैं तो वह चरवाही के लायक नहीं रहती। द मसाई एसोसिएशन, ये जो है हमारा सोजिया है, और सोजनिया में हमें द मसाई एसोसिएशन से ही पता चलता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो इलाका है, ये इलाके में हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई गोभी की जो है यहाँ पे, या मक्का की जो है खेती हो रही है इस इलाके में। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इनके बारे में। आप यहाँ अफ्रीका की चरवाहा समुदाय के बारे में एक छोटी तस्वीर में यहाँ देख सकते हैं। ये किनिया पे नजर डालिए, किनिया और तंजानिया के मसालों का इलाका दर्शाया गया है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। बर्बेरस, बेद्वीन और जबिस बेजा, आप यहाँ जो भी यहाँ तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरों में आपको यहाँ एक मैपिंग मिल रहा है। ये इलाके उनके ही थे, ठीक है। चलिए अब इनके बारे में कुछ जानने का प्रयत्न करते हैं। इन परिवर्तनों को हम चरवाहों को एक खास समुदाय के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसके लिए मसाई नाम के समुदाय को चुन लेते हैं। मसाई पशुपालक मोटे तौर पर पूर्वी अफ्रीका के निवासी हैं। इनमें से लगभग 3 लाख दक्षिणी केनिया के में और करीब 1.5 लाख तंजानिया में रहते हैं, जो कि आप यहां जो है आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, उन्हें ढूंढ सकते हैं। ये रहा हमारा तंजानिया, और इसमें आप यहां केनिया को भी देख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखेंगे कि नए कानूनों और बंदिशों ने इस तरह ना केवल उनकी जमीन से छीन ली, बल्कि उनकी आवाजाही पर भी बहुत सारी पाबंदियां थोप दी गई। इन कानूनों के कारण सूखे के दिनों में उनकी जिंदगी गहरे तौर पर बदल गई है, और उनके सामाजिक संबंध भी एक नए शक्ल में ढल गए हैं, जो कि आगे हम विस्तार रूप से पढ़ेंगे। 3.1 जो हमारा सब टॉपिक है, इसमें हमें और आगे पढ़ने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ हमें टॉपिक में दिया गया है चारागाहों का क्या हुआ, ये इसके बारे में जानते हैं। मसालों की सबसे बड़ी समस्या यह रही है कि उनके चारागाह दिनों सिमटते जा रहे थे। औपनिवेशिक शासन से पहले मसाई लैंड का इलाका केनिया से लेकर तंजानिया के घास के मैदानों एस्टेपिज तक फैला हुआ था। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की साम्राज्यवादी ताकतों ने अफ्रीका में कब्जे के लिए मारकाट शुरू कर दी, और बहुत सारे इलाकों को छोटे छोटे उपनिवेश में तब्दील करके अपने कब्जे में ले लिया। 1885 में ब्रिटिश केनिया और जर्मन तंगानिका के बीच एक अंतरराष्ट्रीय सीमा खींचकर मसाई लैंड के 2 बराबर टुकड़े कर दिए गए। बाद के सालों में सरकार ने गोरे को बसाने के लिए बेहतरीन चारागाहों को अपने कब्जे में ले लिया। मसाइयों को दक्षिणी केनिया और उत्तरी तंजानिया के छोटे से इलाके में समेट दिया गया,
औपनिवेशिक शासन से पहले मसाइयों के पास जितनी जमीन थी उसका लगभग 60% हिस्सा उनसे छीन लिया गया। उन्हें ऐसे सूखे इलाकों में कैद कर लिया गया जहां ना तो अच्छी बारिश होती थी और ना ही हरे भरे चारागाह थे। 19वीं सदी के अंतिम सालों से ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार पूर्वी अफ्रीका में भी स्थानीय किसानों को अपनी खेती के क्षेत्रफल को ज्यादा से ज्यादा फैलाने के लिए प्रोत्साहित करने लगी। जैसे जैसे खेती का प्रसार हुआ वैसे वैसे चारागाह खेतों में तब्दील होने लगे। अंग्रेजों के आने से पहले मसाई आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर अपने किसान पड़ोसियों पर भारी पड़ते थे। औपनिवेशिक शासन के अंत तक आते आते यह समीकरण बिल्कुल उलट चुका था। बहुत सारे चारागाहों को शिकारगाह बना दिया गया। केन्या ने मसाई मारा व संबुरु नेशनल पार्क और तंजानिया में सेरेंगेटी पार्क जैसे शिकारगाह इसी तरह अस्तित्व में आ गए थे। इन आरक्षित जंगलों में चरवाओं का आना माना था। इन इलाकों में ना तो वे शिकार कर सकते थे और ना अपने जानवरों को चरा सकते थे। ऐसे बहुत सारे आरक्षित जंगलों में अब तक मसाई अपने ढोर डंगर चराया करते थे। मिसाल के तौर पर सेरेंगेटी नेशनल पार्क का 14,760 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्रफल मसाइयों के चारागाहों पर कब्जा करने के बनाया गया था। अब हम इस एक तस्वीर पर नजर डालेंगे और इस कुछ तस्वीर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आप इस तस्वीर को देखिए। घास के बिना पशु मवेशी बकरियां भेड़ जैसे कि कुपोषण का शिकार होते जा रहे हैं, जिनका मतलब है कि चरवाहों में परिवारों और बच्चों के लिए भोजन कम पड़ने लगता है। सूखे और भोजन के सर्वाधिक कमी से ग्रस्त इलाके अम्बोशेली नेशनल पार्क के आसपास पड़ता है, जिनकी पर्यटन से होने वाली आय पिछले साल लगभग 24 करोड़ किनियन सिलिंग लगभग 35 लाख अमेरिकी डॉलर थी। और किलिमंजारो जल परियोजना भी इसी इलाके में से होकर जाती है, लेकिन यहाँ रहने वाले समुदाय ना तो पीने के लिए और ना ही सिंचाई के लिए इस परियोजना के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सन्यूज द मिसाइल एसोसिएशन में यह लिखा गया है इन चित्रों के बारे में। आप देख सकते हैं ये हमारा किलिमंजारो ये इलाका। ये आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरी तरफ चित्र पर नजर डालेंगे। यह चित्र है हमारा मसाई नाम यानी मां शब्द से निकलता है। मां साई मतलब होता है मेरे लोग। परंपरागत रूप से मसाई घुमंतु और चरवाहा समुदाय के लोग होते हैं जो अपनी आजीविका के लिए दूध और मांस पर आश्रित होते हैं। उच्च तापमान और कम वर्षा के कारण यहाँ शुष्क धूल भरे और बेहद गर्म हालात रहते हैं। इस अर्ध शुष्क और विषुवत वृत्तीय इलाके में सूखे के हालात सामान्य हैं। ऐसे समय में बहुत सारे जानवर मर जाते हैं। सौजन्य द मसाई एसोसिएशन में यह चला इस चित्र से। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्रोत चौ में हमें कुछ यहां स्रोतों का पता चल रहा है। चलिए स्रोतों को जानने का प्रयास करते हैं। स्रोत में लिखा है कि अफ्रीका के अन्य जगहों पर भी चरवाहों को इसी तरह मुश्किलें का सामना करना पड़ा। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित नामीबिया के काओकोलैंड चरवाहे परंपरागत रूस से काओकोलैंड को पास ही में स्थित ओवालम्बलैंड के बीच आते जाते रहते थे। अभी आपने हाल ही में पढ़ा होगा कि हमारे पास जो चीते ला गए हैं वो हमारे अफ्रीका से ही ला गए हैं और वो हमारे नामीबिया से लाए गए थे जंगलों से। चलिए आगे जाने के प्रयास करते हैं। ये लोग आसपास के बाजारों में जानवरों की आल गोश्त और अन्य वस्तुएं बेचा करते थे। नई भौगोलिक सीमाओं ने दूर दूर के इलाकों में उनके आने जाने पर पाबंदी लगा दी, जिससे उनका पहले की तरह दोनों इलाकों में आना जाना पूरी तरह बंद हो गया। नामीबिया स्थित ओलोकोलैंड और घुमंतु पशुपालकों की शिकायत थी, हम बड़ी मुश्किल में हैं।
हम बस रोते रहते हैं, हमें कैद में कर दिया गया है, हमें तो पता भी नहीं कि हमें बंद क्यों किया गया है, हम जेल में हैं, हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, हम दक्षिण में गोश्त नहीं ले सकते हैं और खाली तो बाहर नहीं भेज सकते हैं, और ओवांबो लैंड अब हमारे लिए बंद हो चुका है, हम लंबे समय तक ओवांबो लैंड में रहे हैं, हम अपने जानवरों को, अपनी भैरों और बकरियों को वहां ले जाना चाहते हैं, पर सीमाएं बंद है, ये सीमाएं हमारे मारी दे रही है, जीना मुश्किल है। यह उस समय के निविबिया स्थित ऑकोलैंड के चरवाहों का बयान, निविबिया 1949 की बात है। एक स्रोत और है जो कि उपनिवेशिक अफ्रीका के बहुत सारे स्थानों पर पुलिस को चरवाहों के आने जाने पर नजर रखने और उन्हें गोरों के इलाकों में दाखिल होने से रोकने पर बंदोबस्त किया गया था। निविबिया के काउकोलैंड के चरवाहों के आने जाने पर पाबंदियां लगाने के लिए दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के एक मजिस्ट्रेट ने पुलिस को ऐसे ही एक निर्देश दिया था, जब कोई बहुत खास हालात पैदा ना हो जाए तब तक इन मूल निवासियों को इलाके में दाखिल होने के लिए वापस जारी नहीं किया जाए। इस आदेश का मकसद इलाके में दाखिल होने वाले निवासियों की संख्या पर अंकुश लगाना और उन्हें काबू में रखना है, इसीलिए उन्हें सामान्य यात्री पास किसी भी हालत में जारी ना किया जाए। ऑकलैंड परमिट्स द इंटर मजिस्ट्रेट द्वारा उपजों और अमानत जवाब के पुलिस स्टेशन कमांडरों को लिखा गया वह पत्र है 24 नवंबर 1937 की। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्रोतों के बाद पता चलता है कि अच्छे चारागाहों और जंगल संसाधनों के हाथ से निकल जाने की वजह से उस छोटे से इलाके पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसमें मसाइयों को धकेल दिया गया था। जब एक छोटे से इलाके में लगातार चराई का नतीजा यह हुआ कि चारागाहों का स्तर गिरने लगा, चारे की हमेशा कमी रहने लगी, मवेशियों को पेट भरना एक स्थानीय समस्या बन गया। अगला सब टॉपिक है हमारा 3.2 का, सरहदें बंद हो गई। 19वीं सदी के चरवाहे चारागाहों की खोज में बहुत दूर दूर तक चल जाते थे। जब एक जगह से चारागाह सूख जाते तो वे अपनी रेवर लेकर किसी और जगह चले जाते थे, लेकिन 19वीं सदी के आखिर दशकों से औपनिवेशिक सरकार उनकी आवाजाही पर तरह तरह की पाबंदियां लगाने लगी, जो कि आपने पहले भारत के अंदर पढ़ा था। मसाइयों की तरह अन्य चरवाहों को भी विशेष आरक्षित इलाकों की सीमाओं में कैद कर लिया गया। अब ये समुदाय इन आरक्षित इलाकों की सीमाओं को पार नहीं कर सकते थे, वे विशेष परमिट लिए बिना अपने जानवरों को लेकर बाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन परमिट हासिल करना भी कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए उन्हें तरह तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता था और उन्हें तंग किया जाता था। अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता था तो उसे कड़ी सजा दी जाती थी। चरवाहों को गोरे के इलाके में पड़ने वाले बाजारों में दाखिल होने का भी रोक लगा दिया गया। बहुत सारे इलाकों में तो वे कई तरह के व्यापार भी नहीं कर सकते थे। बाहर से आए गोरे और यूरोपीय औपनिवेशिक अफसर उन्हें खतरनाक और बर्बर स्वभाव वाला मानते थे। उनकी नजर में ये ऐसे लोग थे जिनके साथ कम से कम संबंध रखना ही उचित था, लेकिन इन स्थानीय लोगों से किसी भी तरह के संबंध रखना भी मुश्किल नहीं था। आखिर खानों से माल निकालने और सड़क बनाने और शहर बसाने के लिए गोरे को इन कालों के श्रम का ही तो भरोसा था। नई सरहदों को चरवाने की जिंदगी रातों रात बदल डाली। नई पाबंदियों और बाधाओं की आड़ में उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा कि वे छोटे से इलाके में खुद को कैद सा महसूस करने लगे। इससे उनकी चरवाही और व्यापारिक दोनों तरह की गतिविधियों पर बहुत बुरा असर पड़ा। अब तक
रवाहे ना केवल मवेशी चराते थे बल्कि तरह तरह के व्यवसाय भी किया करते थे। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थोप दी गई कि बंदिशों से उनका व्यापार बंद तो नहीं हुआ, लेकिन अब उस पर तरह तरह के अंकुश जरूर लगाए गए। बात आती है अगले टॉपिक की, 3.3, जब चारागाह सूख जाते हैं। सूखा दुनिया भर के चरवाहों की जिंदगी पर असर डालता है। जिस साल बारिश नहीं होती और चारागाह सूख जाते हैं, अगर उस साल मवेशी को किसी हरे भरे इलाके में ना ले जाया जाए तो उनके सामने भुखमरी का संकट पैदा हो जाता। इसीलिए परंपरागत तौर पर चरवाहे घुमंतू स्वभाव के लोग होते हैं। वे यहाँ से वहाँ जाते ही रहते हैं। इसी घुमंतूपने की वजह से वे बुरे वक्त का सामना कर पाते हैं और संकट से बच निकलते हैं। लेकिन औपनिवेशिक शासन की स्थापना के बाद तो मसायों को एक निश्चित इलाके में कैद कर लिया गया था। उनके लिए एक इलाका आरक्षित कर दिया गया और चारागाहों की खोज में यहाँ वहाँ भटकने पर रोक लगा दी गई। उन्हें बेहतरीन चारागाहों से महरूम कर दिया गया और एक ऐसी ही अर्धशुष्क पट्टी में रहने पर मजबूर कर दिया गया, जहां सूखे की आशंका हमेशा बनी रहती थी, क्योंकि ये लोग संकट के समय भी अपने जानवरों को लेकर ऐसी जगह नहीं जा सकते थे जहां उन्हें अच्छे चारागाह मिल सकते थे। इसीलिए सूखे के सालों में मसाइयों के बहुत सारे मवेशी भूख और बीमारियों की वजह से मर जाते थे। 1930 की एक जांच में पता चला है कि किनिया और मसाइयों के पास 7,20,000 मवेशी, 8,20,000 भेड़ और 1,71,000 गधे थे। 1933 और 1934 में पड़े केवल 2 साल के सूखे के बाद इनमें से आधे से ज़्यादा जानवर मर चुके थे। जैसे जैसे चरने की जगह सुकड़ती गई, सूखे के दुष्परिणाम भयानक रूप लेते गए। बार बार आने वाली बुरी सालों की वजह से वे चारागाहों के जानवरों की संख्या में लगातार गिरावट आई। 3.2, सब पर एक जैसा ही असर नहीं पड़ा। औपनिवेशिक काल में अफ्रीका के बाकी स्थानों की तरह मसाइलैंड में भी आए बदलावों के सारे चरवाहों पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। उपनिवेश बनने से पहले मसाई समाज 2 सामाजिक श्रेणियों में बटा हुआ था। विशिष्ट जन जिसे एल्डरसन और योद्धा जिसे वॉरियर्स विशिष्ट जन शासन चलाते थे। समुदाय से जुड़े मामलों पर विचार विमर्श करने और अहम फैसले लेने के लिए वे समय समय पर सभा करते थे। योद्धाओं से ज़्यादातर नौजवान होते थे जिन्हें मुख्य रूप से लड़ाई लड़ने कबीले के हिफाजत करने के लिए तैयार किया जाता था। वे समुदाय की रक्षा करते थे और दूसरे कबीले में मवेशी छीन कर लाते थे। जहां जानवर ही संपत्ति हो वहां हमला करके दूसरों के जानवर छीन लेने का एक महत्वपूर्ण काम होता था। अलग अलग चरवाहा समुदाय की ताकत इन्हीं हमलों में से तय होती थी। युवाओं को योद्धा वर्ग का हिस्सा तभी माना जाता था जब वे दूसरे समूह के मवेशियों को छीन कर और युद्ध में बहादुरी का प्रदर्शन करके अपनी मर्दानगी साबित कर देते थे। फिर भी वे विशिष्ट जनों के नीचे रहकर ही काम करते थे। मसाइयों के मामलों में की देखभाल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिससे आने वाले सालों में बहुत गहरे असर पड़े। उन्होंने कई मसाइयों उपसमूहों के मुखिया तय कर दिए और अपने अपने कबीले के सारे मामलों की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी गई। इनके बाद उन्होंने हमलों और लड़ाइयों पर पाबंदी लगा दी गई। इस तरह विशिष्ट जनों और योद्धाओं दोनों की परंपरागत सत्ता बहुत कमजोर हो गई। जैसे जैसे समय बीता औपनिवेशिक सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मुखिया माल इकट्ठा करने लगे। उनके पास नियमित आमदनी थी जिससे वे जानवर
साजो सामान और जमीन खरीद सकते थे, वे अपनी गरीब पड़ोसियों को लगान चुकाने के लिए कर्ज पर पैसा देते थे। उनमें से ज़्यादातर बाद में शहरों में जाकर बस गए और व्यापार करने लगे। उनके बीवी बच्चे गांव में ही रहकर जानवरों की देखभाल करते थे। उन्हें चरवाही और गैर चरवाही दोनों की तरह आमदनी होती थी। अगर उनके जानवर किसी वजह से घट जाए तो वे अपने जानवर खरीद सकते थे। जो चरवाहे सिर्फ अपने जानवरों को सहारे जिंदगी बसर करते थे, उनकी हालत अलग थी। उनके पास बुरे वक्त का सामना करने के लिए अक्सर साधन नहीं होते थे। युद्ध और अकाल के दौरान उनका सब कुछ खत्म हो जाता था। तब उन्हें काम की तलाश में आसपास के शहरों में शरण लेना पड़ता था। कोई कच्चा कोयला जलाने का काम करने लगता था तो कोई कुछ और करने लगता था। जिनकी तकदीर ज्यादा अच्छी थी उन्हें सड़क या भवन निर्माण कार्यों में काम मिल जाता था। इस तरह मसाई समाज में दो स्तरों पर बदलाव आए। पहला, विशिष्ट जनों और योद्धाओं के बीच उम्र पर आधारित परंपरागत फर्क पूरी तरह खत्म भले ही ना हुआ हो, पर बुरी तरह अस्त व्यस्त जरूर हो गया। दूसरी, अमीर और गरीब चरवाहों के बीच नया भेदभाव पैदा हुआ। उससे पहले हम कुछ और तस्वीर पर नजर डालते हैं। आप यहां इस तस्वीर में देखें, योद्धा गहरे लाल रंग की सुका और चमकदार मोतियों के आभूषण पहनते हैं और स्टील के नॉक वाला 5 फुट लंबा भाला रखते हैं। बारीकी के सवेरे गए उनके बाल गेरू और रंगे हुए होते थे। उगते सूरज को सम्मान देने के लिए वे पूर्व की ओर मुंह करके खड़े होते हैं। योद्धा अपने समुदाय की रक्षा करते हैं और लड़के पशुओं को चराते हैं। सूखे के मौसम में योद्धा और लड़के दोनों ही पशु चराते हैं, या द मसाई एसोसिएशन से पता चला। आइए इस तस्वीर के में देखते हैं। इस तस्वीर में आज भी योद्धा बनने के लिए युवकों को व्यापक अनुष्ठानों से गुजरना पड़ता है। हालांकि अब यह प्रथा पहले जैसे प्रचलित नहीं है। इसके लिए युवाओं को लगभग 4 माह तक अपने कबीले के इलाकों का दौरा करना पड़ता है। इस यात्रा के अंत में वे छापामारों की तरह दौड़कर अपने अहाते में घुसते हैं। इस समारोह के मौके पर युवक ढीले कपड़े पहनते हैं और पूरे दिन नाचते रहते हैं। इस अनुष्ठान के साथ ही वे जीवन के एक नए चरण में पहुंच जाते हैं। लड़कियों के को इस तरह के अनुष्ठानों से गुजरने का अनुमति नहीं दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना निष्कर्ष निकालते हैं जो हमने ऊपर अभी समझा और पढ़ा। निष्कर्ष हमारा ये है, इस तरह हम देखते हैं कि आधुनिक विश्व में आए बदलावों से दुनिया के अलग अलग चरवाहा समुदायों पर अलग अलग तरह के असर पड़े हैं। नए कानूनों और सीमाओं ने उनकी आवाजाही को दर्रा बदल दिया। जैसे जैसे चारागाह खत्म होते गए, जानवरों को चराना एक मुश्किल काम होता चला गया, और जो चारागाह बचे थे वे भी अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से बेकार हो गए। सूखे के समय उनकी समस्या पहले से भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि तब उनके जानवर बड़ी तादाद में दम तोड़ने लगते थे। अब उनके आने जाने पर बहुत सारी बंदिशें थोप दी गई थी, इसीलिए वे नए चरागाहों की तलाश भी नहीं कर सकते थे। फिर भी चरवाहे बदलते वक्त के हिसाब से खुद को ढाल ले हैं। वे अपनी सालाना आवाजाही का रास्ता बदल लेते हैं, जानवरों की संख्या कम कर लेते हैं, नए इलाकों में दाखिल होने के लिए हर संभव लेन देन करते हैं, और राहत रियासत व मदद के लिए सरकार पर राजनीतिक दबाव डालते हैं। वे उन इलाकों में अपने अधिकारों को बचाए रखने के लिए अपना संघर्ष जारी रखते हैं जहां वे उन्हें खदेड़ने की कोशिश की जाती है, और जंगलों के रखरखाव और प्रबंधन में अपना हिस्सा मांगते हैं। चरवाहे अतीत के अवशेष नहीं हैं, वे ऐसे लोग नहीं हैं जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया का कोई जगह नहीं है। पर्यावरणवादी और अर्थशास्त्री अब इन बातों को काफी गंभीरता में मानने लगे हैं कि घुमंतु चरवाहों को जीवन शैली दुनिया के बहुत सारे पहाड़ी और सूखे इलाकों में जीवन यापन के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। आप यह एक जयपुर की तस्वीर है जहां आप देख सकते हैं, राजमार्ग पर रायका गड़िये, बड़ी सड़कों पर भारी यातायात में गड़ियारों
एक नए इलाके में जाने की प्रक्रिया को एक नया अनुभव बना दिया गया है, जो कि आप इस तस्वीर में यहां देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे जो हमारा है वो क्रियाकलाप है। जो कुछ आपने पढ़ा, जो कुछ आपने यहां आपको सुनने और सीखने को मिला, मैं मानता हूं कि पढ़ के भी चीजें सीखी जाती है और सुन के भी सीखी जाती है। यदि आपको उसे समझना और याद करना है तो चीजों को पहले सुनने का प्रयास कीजिए, और जब सुनने के बाद लगे कि आपको उसमें हमें कुछ फायदे या कुछ हमें समझने और सीखने को मिलता है, तो आप उसे पढ़ना स्टार्ट कीजिए। चीज़ों को आसान बनाना काम हमारा है, आपके लिए आसान बनाए जाते हैं ताकि चीज़ों को आपको यह ना लगे पढ़ने में कि एनसीईआरटी इतना भयावह है, कैसे पढ़ें, क्या है एनसीईआरटी में, जो कहते हैं कि बहुत सारे लोग इन्हें हमें पढ़ने में जो है बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है, हमने जब पढ़ा हमें इसमें निष्कर्ष निकला कि चीज़ें पढ़ने पर समझ में आती है, जो कि उसे आसान हम बना सकते हैं सुन करके, ठीक है। तो हमें अब क्रियाकलाप अपने प्रश्नों पर करना है। कल्पना कीजिए कि यह 1950 का समय है और आप 60 वर्षीय रायका पशुपालक हैं। आप अपनी पोती को बता रहे हैं कि आज़ादी के बाद से आपके जीवन में क्या बदलाव आए, आप उसे क्या बताएंगे। दूसरा प्रश्न, मान लीजिए कि आपको एक प्रसिद्ध पत्रिका ने उपनिवेशवाद से पहले अफ्रीका के मसाइयों की स्थिति के बारे में एक लेख लिखने के लिए कहा गया, वह लेख लिखिए और उसे एक सुंदर शीर्षक दीजिए। इनमें चित्र 11 और 13 में चिन्हित चरवाहा समुदाय में से कुछ समुदाय के बारे में और जानकारी इकट्ठा कीजिए, और बाकी हमारे प्रश्न फिर आ जाते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, स्पष्ट कीजिए कि गुबंतु समुदायों के बार बार एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना पड़ता था, इस निरंतर आवागमन से पर्यावरण को क्या लाभ है। दूसरा प्रश्न, इस बारे में चर्चा कीजिए कि औपनिवेशिक सरकार ने निम्नलिखित कानून क्यों बनाए, यह भी बताइए कि इस कानून में चरवाहों के जीवन पर क्या असर पड़ा। प्रतिभूमि नियमावली, वन अधिनियम, अपराधी जनजाति अधिनियम और चराई कर। तीसरा प्रश्न, मसाई समुदाय के चरागाह उससे क्यों छिन गए, कारण बताना है आपको। और चौथा प्रश्न है हमारा, आधुनिक विश्व ने भारत और पूर्वी अफ्रीका चरवाहा समुदाय के जीवन में जिन परिवर्तनों को जन्म दिया, उनमें से कई समानताएं थी, ऐसे दो परिवर्तनों के बारे में बताइए जो लिखी गई है, जो भारतीय चरवाहों को मसाई और गड़ियों दोनों के बीच समान रूप से मौजूद थे, यानी कि मसाई गड़ियों और भारतीय चरवाहों के दो सामान्य रूप आपको इनमें बताना है। तो इस तरह हमारा जो है ये हमारा चैप्टर यानी कि ये हमारा अध्याय खत्म होता है, बड़े ही एक कहानी के तौर पे जो कि हमने एक बताने का आपको प्रयास किया है। बाकी आपकी अब यहाँ पे जो है आपका ये होमवर्क है कि आप इसे समझें और समझकर जो है पढ़ने का प्रयास करें। यदि आपको हमारा जो है ये ऑडियो सीरीज हेल्प कर रहा होगा आपको समझने में, तो आशा करते हैं कि आप इसे लाइक करेंगे और जो है अपने जो भी आपके साथी बंधु हैं उन्हें शेयर करके जो है आप अपनी भी जो एक आपकी रुचि डेवलप है उसे बढ़ाएंगे पढ़ने में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।